तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा ज़ॉम्बीज के बारे में कि अगर ज़ॉम्बीज के वैक्सीन आ गई है तो मतलब ज़ॉम्बीज के वायरस भी आ गए होंगे, क्योंकि एंटीवायरस वायरस से बनता है। मेरे को एक कमेंट में आया था ये वायरस चीज, मैं सोच में पड़ गया। इसके बाद मैंने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर और इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ। और ज़ॉम्बी अटैक हो गया तो कितने टाइम में हम ख़त्म हो जाएंगे, क्या आएगा, मैं आप लोग को सब बताऊँगा ये वीडियो के अंदर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी। जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड होती है उसकी बड़ी बनाता हूँ, वरना शॉर्ट्स बनाते रहता हूँ। तो पूरी वीडियो देखना, एक भी मिनट स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसा मैंने आप लोग को है ना मेरी शॉर्ट्स वीडियो में बोला था कि है ना ज़ॉम्बी अटैक होने के पहले ही, मतलब ज़ॉम्बी अटैक अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन उसके होने के पहले ही गवर्नमेंट ने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाई है जिसका नाम है कोनॉप 8888 फोर टाइम्स एट है। तो उसके अंदर कैसा है, मैंने प्रोजेक्ट में पहले बताया गया कि अगर ज़ॉम्बी अटैक हो गया बाई मिस्टेक तो हम लोग है ना पहले गवर्नमेंट को ऐसी जगह लेके जाएगी हमारी जहाँ पर वो सेफ रहे और उसको कोई टच नहीं कर पावे। फिर उसके बाद हम लोग है ना जितने भी ज़ॉम्बीज बन गए उन लोग सबको मारने का प्लान है। फिर उसके बाद जितने भी ज़ॉम्बीज मर जाएंगे उसके बाद जितने भी हम इंसान जो जिंदा रहेंगे उन लोग को एंटीवायरस डालेंगे, जिसकी वजह से हम लोग के अंदर अगर ज़ॉम्बी अटैक भी हो गया या कुछ हो गया हमारे पे वायरस चढ़ गया तो वो वायरस चढ़ेगा नहीं। ठीक है, आप लोग ने बना दिया कोनॉप 8888 और कहते हैं कि वो है ना 2011 से बन चुका है, उसकी भी स्टोरी मैं बताऊँगा क्यों बनाए थे। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ने 2011 में ही वायरस बना दिए, ठीक है, मतलब एंटीवायरस बनाए, तो वायरस आपको कहाँ से मिला? इतना क्यों डरा के रख रहे हम लोगों? क्या सही में ज़ॉम्बीज आ गए थे? क्या सही में ज़ॉम्बीज का अटैक हुआ था? हाँ 2011 में हुआ था, उसकी भी मैं कहानी बताऊंगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट को ये सब चीज़ों के बारे में मालूम है और गवर्नमेंट को पॉसिबल है कि गवर्नमेंट बोलती है हम लोग इसको बचा लेंगे उसको बचा लेंगे, आप कोविड अभी तक नहीं बचा पाए, उसकी वायरस नहीं एंटीवायरस नहीं बन रही है, हम लोग इधर तो इतना फैल गया इंडिया में कि बोलो हद ही नहीं, मतलब नीचे नहीं उतर सकते ऐसा फैल गया, और आप ज़ॉम्बीज बनाएंगे, मतलब ऐसा होगा कि नीचे उतरो मैं ज़ॉम्बी बन जाऊँगा, ऐसा हो जाएगा ज़ॉम्बी अटैक में, तो पॉसिबल है। तो पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि क्यों इन लोग ने ये स्टार्ट किए थे और मतलब गवर्नमेंट को क्या दिखता है कि क्या हो रहा है वो सब बताता हूँ। तो 2011 में मैंने ना शॉर्ट वीडियोस में बोला था, लेकिन पब्लिक बोल रही थी प्लीज़ इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो ज़्यादा, अगर आपको बाहर से आवाज़ आ रही तो ये मुंबई इधर रस्ते बनते रहते, कोविड होवे नहीं होवे रस्ते बनते रहते। तो है ना पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि 2011 में मायामी अमेरिका में एक जगह है मायामी, वहाँ पर फुल पार्टी वार्टी होती है गोवा की तरह, तो वो कैसा है मालूम है, वहाँ पर है ना पार्टीज हो रही थी, उसके अंदर है ना ड्रग्स लोग बहुत यूज़ करते हैं, और मायामी में कितने ड्रग्स लीगल भी है लेकिन जो हायर ड्रग्स रहते हैं हायर लेवल के वो अलाउड नहीं, वो तो किधर भी अलाउड नहीं है। तो इन लोग क्या कर रहे थे मालूम है, एक आदमी ने एक को कुछ दिया था उसने खा लिया था और बोले वो इतना क्रेजी हो गया क्या था कि वो लोगों की स्किन खा रहा था, मतलब चमड़िया खा रहा था, पहले तो खुद की खा रहा था उसको अच्छी नहीं लगी तो दूसरे लोग की खा रहा था, क्या उन्होंने नमक नहीं डाला था। तो है ना जैसे ही दूसरे लोग की चमड़िया खा रहा था तो एक आदमी ना भाग रहा था रस्ते में, और दोपहर की पार्टी हो रही थी, पार्टी भी दोपहर की हो रही थी, तो जैसे ही रस्ते में भागा ना तो पुलिस आके उसको पकड़ी और पुलिस ने उसको फायरिंग की और कुछ की उसको, तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो पुलिस टेंशन में आ गई जब तक उसको हेड पे नहीं मारे, जैसे हेड पे मारे वो खत्म हो गया था। मैं ये सब आप लोग को है ना फोटोज उसकी नहीं डाल सकता या वीडियोज नहीं डाल सकता, लेकिन यूट्यूब पे है, अगर आपको देखना है तो मेरे savagenews.online पे जाके आप देख सकते हो, उसमें मैं एक ब्लॉग डाल दूंगा तो उस पर सब देख सकते हैं अनसेंसर्ड, इस पे नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि ये ग्राफिक है और ऑलरेडी मैंने ना बहुत टाइम पहले ये डाला था वीडियो, लेकिन ये वीडियो है ना गई नहीं थी जो 2011 की ज़ॉम्बी अटैक थी, बिकॉज उसके अंदर बहुत वायलेंस था, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें थी जो आप लोगों को मैं बता नहीं सकता हूँ वो चीज़ हुई थी वो टाइम पे। तो बोले उसका है ना पूरा सर्वर खा गया था, फिर थोड़े टाइम बाद है ना गवर्नमेंट को अभी छुपाने का था तो क्या बोली मैंने मैं है ना वो थोड़ा उसका कर्जा बाकी था तो कर्जा लेने के लिए उससे लड़ाई कर रहा था उसकी वजह से ये सब हो गया। कर्जा ना अभी मेरा भी किसी पे बाकी रहेगा तो मैं क्या उसको जाके खाऊंगा, मैं क्या करूंगा, उसको पूछूंगा अगर नहीं देगा तो थोड़ा हम लोग की आपस में हाथापाई हो जाएगी, मगर मैं उसको खाऊंगा, हम लोग क्या क्रेजी दिख रहे। और उसके बाद से ही तुमने क्यों कोनॉप 8888 लॉन्च किए, कोनॉप 888 उसके बाद ही लॉन्च हुआ है, और कोनॉप 888 अगर आप विकिपीडिया पे पढ़ेंगे इसके बारे में तो उस पर लिखे लगे 2011 के मायामी अटैक के बाद ही इन लोग ने ये लॉन्च किए क्यों। और वो जो आदमी था जो खा रहा था बोलते ना वो प्रिजन में गया ना वो उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो उसको लेके किधर गए, एरिया 51 बोलते कि कितने जन बोलते कि उसको ऐसी सीक्रेट जगह पे लेके चले गए थे जहाँ पर उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किए और मालूम पड़े और उसके ऊपर बायो वेपन्स बनाए जिसकी वजह से ना गवर्नमेंट ही हमें ज़ॉम्बीज बना सकती है, इतनी पावर हो गई है इन लोग में, या गवर्नमेंट या कोई टेररिज्म या कुछ भी कोई भी मतलब कोई दूसरा आदमी भी बना सकता है आपको ज़ॉम्बीज, ऐसा हो गया बायो वेपन्स इतने स्ट्रांग हो गए।
अभी बायो वेपन्स के बारे में आप लोग को बोलूंगा ना तो ये वापस इन लोग मेरी वीडियो ब्लॉक कर देंगे, तो मेरे को वो नहीं चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जॉम्बीज अटैक ऑलरेडी हो रहे थे और इसकी वजह से हमारे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है और ये कोनोप 888 बना है। अब ये कोनोप 888 से अमेरिका के लिए नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए WHO भी इसके साथ मिली हुई है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी, वो मूवी का नाम याद नहीं, नेटफ्लिक्स पे मूवी थी, वो कोरियन मूवी थी और है ना उसके अंदर है ना बताया गया था कि लोग है ना जॉम्बी अटैक हो जाता है तो कैसे एक लड़का बच के निकल जाता है उसके घर में और वो घर में ही रहता है। लेकिन वो कितना टाइम घर में रह सकता है? थोड़ा ही टाइम रह सकता है, क्योंकि आप भी अगर आपके घर में रह गए जॉम्बी अटैक हो गया, आप छुप के रह रहे हो बोल रहे हो, कितना टाइम रह सकते हैं आप? क्योंकि है ना आपके इधर खाना रहेगा वो उतना ही रहेगा, आपको थोड़े टाइम बाद बाहर जाना ही पड़ेगा खाना खाने, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी रहेगी वो कितने टाइम रहेगी? मतलब अगर जॉम्बी अटैक हो गया तो बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 2 दिन के लिए रहेगी, 2 दिन बाद इलेक्ट्रिसिटी आपकी गायब हो जाएगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीना, उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं बचेगी। इतनी गर्मी में आप जिंदा कैसे रहेंगे? खिड़की तो खोलेंगे, खिड़की खोलेंगे वैसे जॉम्बीज आ जाएगी आपके घर, आप कितना भी ऊपर रहो कितने भी ऊपर माले पे रहो जॉम्बीज तो आएगी ही ना भाई। और कहते हैं कि ना मतलब जो जॉम्बीज बताते हैं वो रियल जॉम्बीज नहीं है, जॉम्बीज लोग के पास ऐसी ताकत रहेगी कि उन लोग ऊपर चढ़ सकते, थोड़ा सेंस रहेगा उन लोग के पास इन लोग के थ्रू। मगर मेरे हिसाब से क्या है, अगर जॉम्बीज हमारा ब्रेन ही खत्म, मतलब ब्रेन चल रहा है पूरी बॉडी खत्म हो गई, तो मतलब कैसा आदमी खा रहा नहीं है तो आदमी को कैसा खाएगा? उसके बाद ताकत ही नहीं बचेगी, ये मेरा मानना है। लेकिन उन लोग का मानना है कि जॉम्बीज आ सकते मारम पिटी करेगा हमारे साथ। तो वही मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जॉम्बी अटैक जो होगा वो इंडिया में होगा कहते हैं, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इतना, कोविड ही पकड़ लो कितना हो रहा है हमारे इधर, नीचे नहीं उतर सकते हम लोग, कुछ भी करने के लिए नहीं, बिजनेस इधर सब फिनिश हो गया है। फिर इधर समझो अगर ये जॉम्बी अटैक हो गया तो बोलते हैं कि सिर्फ 3 या 4 दिन के अंदर 80% पॉपुलेशन हमारी खत्म हो जाएगी। वो 3 या 4 दिन के अंदर अगर गवर्नमेंट ने ये कोनोप लॉन्च नहीं की हमारी तो वाटी लग गई ना, हम तो फिनिश ही हो गए, हम क्या पूरा 80% दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर बोलते हो कि 30% या 20% जो भी रहेगी, 70% हमारी खत्म हो गई या 80%, और जो भी रहेगा 20 या 30% उस पर पूरी दुनिया चलेगी, उस पर कितने होएंगे? मेरे को तो नहीं लगता उस पर दुनिया चल सकती है भाई, हमारी दुनिया देखो एकदम अलग हो गई है जब से ये हुआ है ना। अच्छा COVID-19 था ठीक है, 2021 में भी मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मेरा तो बाहर निकल गया, ये कौन अब बना रहे, इससे अच्छा पहले ही वो बना देते वैक्सीन, फिनिश कर दिए। तो वीडियो जॉम्बी अटैक के बारे में, और जॉम्बी अटैक आएगा तो क्या होगा, जॉम्बी अटैक नहीं आएगा तो क्या होगा, इन लोग कोनोप 888 क्यों बनाए, सब मैंने आप लोग को इसके अंदर बता दिया वीडियोस के अंदर। आप लोग को अगर अनसेंसर्ड फुटेज देखना है जो जॉम्बी अटैक हुआ था मायामी में, अगर मेरे को वीडियोज मिलती है तो मैं मेरे सैवेज न्यूज फुरकान डॉट ऑनलाइन पर डालूंगा, वेबसाइट है मेरी खुद की, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके माई वर्ल्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर अगर आपको है ना ओयो रूम्स में जाना है तो आप है ना फुरकान ओयो लिखेंगे तो 50% ऑफ मिलेगा आपको ओयो रूम में, पूरे वर्ल्ड में किधर भी जाओ तो आपको मिलेगा। वैक्सीन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है मैंने सुना, वो मैं आप लोगों को स्नैपचैट और मेरे इंस्टाग्राम पे बताऊंगा, वहाँ पर फॉलो करो, और स्नैपचैट पे जितने भी जन मेरे को ना मैसेज करते हैं मैं लोग सबको मैसेज करता हूँ भाई, बहुत सारे मैसेज आ गए, मेरा स्नैपचैट भर गया लिटरली, इसलिए थोड़ा लेट होता है मैसेजेस करने, आप बोलते फुरकान आप रिप्लाई नहीं दे रहे, मैं सबको रिप्लाई दूंगा मगर थोड़ा लेट हो जाता है, इंस्टाग्राम पर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं बिजनेस के रिप्लाईज देता हूँ और कमेंट्स बहुत आते हैं उस पर। एक जन तो कमेंट किया था आपकी वीडियोस फेक है, मैं बोला भाई छोड़ दो मैं तुमको इग्नोर ही कर देता हूँ, तो बोला अरे भाई मैंने ऐसे ही लिखा था क्योंकि आप रिप्लाई नहीं करते, मतलब आपकी टीचर आपको मार्क्स नहीं देगी तो आप पेपर ही नहीं लिखेंगे क्या? वैसे भी पेपर तो कैंसिल हो गए अभी तो बोलते अगली बार आपको क्या भी क्या देखना है नेक्स्ट मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं वो बनाऊंगा उस पर।